नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वसई विरार मनपा के नव नियुक्त आयुक्त अनिल पवार ने संभाला पदभार। वसई विरार मनपा में कल नियुक्त किए गए नए आयुक्त अनिल खंडेराव पवार ने आज वसई विरार मनपा मुख्यालय में अपने कार्यालय में पहुंचकर पदभार ग्रहण करते हुए मनपा के सभी विभाग प्रमुख की त्वरित बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए एवं अभी जारी कोरोना थर्ड वेव से निपटने का एक्शन प्लान बनाया। आयुक्त ने दोपहर में स्थानीय पत्रकारों को भी मिलने का समय देकर अपनी प्राथमिकताओं के बारे में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब दिए। सेफ न्यूज लाइव टीम को मनपा मुख्यालय पहुंचने में किसी कारणवश देरी होने के बाद आयुक्त ने सेफ न्यूज लाइव को भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इंटरव्यू दिया एवं अपनी प्राथमिकताओं के बारे में अवगत करवाया, जो आप सुनिए आगे वीडियो में। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। मेरी प्राथमिकता यही रही कि COVID-19 की जो थर्ड वेव अभी शुरू है, बहुत सारे पेशेंट्स निकल के आ रहे हैं, तो उनके लिए उपाय योजना करना, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता है कि COVID-19 की थर्ड वेव नलीफाई होने के लिए या मिनिमाइज़ होने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके वो जगह पर एस्टेब्लिश करना, ये मेरी प्रायोरिटी है। और लास्ट टाइम के जो सेकेंड वेव में जो अनुभव एक्सपीरियंस आए थे, तो जो डिफ़िकल्टीज हमने फेस की है वो ओवरकम करना, ये भी हमारी प्रायोरिटी है। जैसे कि ऑक्सीजन की कमतरता बहुत महीने में सेकेंड वेव में आई थी, तो इस टाइम में ऑक्सीजन मुबलक क्वांटिटी में उपलब्ध हो, इसका भी प्रावधान हमने किया। सर, कोविड के साथ साथ कोविड तो चलता रहेगा और वो प्राथमिकता है, लेकिन उसके साथ शहर के लिए और दूसरी किस तरह की प्राथमिकता क्या रहेगी? शहर की जो प्राथमिकता है, इसके लिए मैंने खाते प्रमुख यानी कि HOD जो बोलते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनका मैंने अभी रिव्यू चालू किया है। तो उनके रिव्यू में जो बातें उभर कर आएगी या जो लोक प्रतिनिधि है, आप जैसे पत्रकार हैं, तो वो जो उनसे मुलाकात करने के बाद जो इश्यूज़ उसको मालूम होंगे या मैं मालूम करने वाला हूँ, तो वो सब मेरी प्रायोरिटी रहने वाली है। अभी तो मेरा आज पहला ही दिन है, तो मैंने जस्ट HOD का इंट्रोडक्शन का एक मीटिंग लिया था सिर्फ, तो मैंने मंडे से उनका प्रेजेंटेशन का शेड्यूल तैयार किया है। सर, वैक्सीनेशन की क्या प्रोसीजर? वैक्सीनेशन तो हमारा वैक्सीनेशन एक मिनट है टोटल वैक्सीनेशन की है 11 लाख ना, 11 लाख लोगों ने पहला डोज लिया है और 9,80,000 लोगों ने सेकेंड डोज भी लिया है। अभी जो बूस्टर डोज है उसकी बारे, जो बूस्टर डोज आप जो बोल रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने प्रावधान किया है। और जो 60+ उम्र के लोग हैं, जिनको अन्य व्याधि से ग्रस्त है, वो लोग उनका भी प्रायोरिटी से हम वैक्सीनेशन या बूस्टर डोज उनको दे रहे हैं। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, कोविड वॉरियर्स है, उनके लिए बूस्टर डोज देना हमने चालू किया है। और 15 से 18 उम्र के जो बच्चे हैं उनका भी 60% से भी ज़्यादा हमारा उनका वैक्सीनेशन हुआ है। सर, अब तक तो ऐसा देखने में नहीं आया कि हॉस्पिटलाइज ज़्यादा पब्लिक हो रही है, लेकिन जब अगर पब्लिक को ज़्यादा हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और प्राइवेट अस्पताल ने जो पिछले दो वेव में जो लूटमार की, इस तरह की क्या सामने आएंगे तो क्या? नहीं, उसके लिए हमने क्रॉस इंस्पेक्शन के लिए ऑडिट के जो एक पथक है वो भी हमने तैनात कर दिया है। थैंक यू। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385